हाय फ्रेंड, आई एम सुरक्षा सेब और आप देख रहे हैं सुरक्षा सेब रोटिक्स। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक न्यू डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास फ्रंट। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक फॉलो कीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिक स्लैब को ओपन कर लेना है। पिक स्लैब को ओपन करने के बाद आपने पिक्स आर्ट वाले फोल्डर में चले जाना है। यहाँ से आपने कोई भी पिक ले लेनी है। तो पिक मैंने ले ली है। अब इस पर आपने कोई भी अपनी मर्ज़ी से नेम लिख लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं नेम लिखूँगा रोमान, रोमान मैंने नेम लिख लिया है। अब इस पे मैं जो फ़ॉन्ट लगाऊंगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने इसका साइज़ अपनी मर्ज़ी से बढ़ा लेना है, आप जितना मतलब रखना चाहें कम या ज़्यादा। ठीक है, जैसे कि मैं 80 पे साइज़ का रखूँगा। अब आपने इसकी कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने लिखना क्या है, आपने ए बी लिखना है। ए बी लिखने के बाद आपने फंट वाले ऑप्शन में आना, बोनस आर्ट फंट लगाना है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी लिंक आपको ये आप लिखें। ए लिखने के बाद ये जो बोनस आर्टिस्ट पे आपने लगाना है, इसका साइज़ आपने थोड़ा सा बढ़ा लेना है फ्रेंड। बढ़ाने के बाद इसकी कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने इसी तरह यहाँ पे भी इसे लगा देना है। लगाने के बाद आपने करना क्या है, फिर कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने इसे यहाँ पर भी लगा देना है। कॉपी करने के बाद फिर आपने इसे यहाँ पर भी लगा देना है। यहाँ पर लगाने के बाद फिर कॉपी करनी है। इस पर बबल फॉन्ट आपने लगाना है, आपने ए लिखना है और इस पे बबल फॉन्ट लगे। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ई लिखना है आपने, ठीक है। ई लिखने के बाद आपने इसका साइज़ जो है ना वो कम कर लेना है। कम करने के बाद आपने यहाँ पे लगा देना है। ये खुद अपने हिसाब से जैसे भी आप रखना चाहें फ्रेंड, ये एडजस्टमेंट कर दीजिएगा। जैसे भी ये आप मतलब आर्ट वाला है ना, ये आप लगाना चाहें, ये जैसे भी आप मतलब इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे हो गया। अब आपने इसका बैकग्राउंड फ्रंट ट्रांसपेरेंट कर देना है और सेव इसको अल्ट्रा में करना है। सेव अल्ट्रा में करने के बाद आपने पीएस टच में आना है। पीएस टच में आने के बाद आपने यही सेम पिक जो है ना उधर भी ऐड कर लेनी है। पीएस टच में प्लस पे क्लिक करेंगे, फोटो लाइब्रेरी पे जाएंगे, यहाँ पे पिक्स आर्ट वाला फोल्डर आपने ढूंढ लेना है। तो ये पिक आपने ऐड कर लेनी है। पिक ऐड करने के बाद आपने फ्रेंड करना क्या, प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने में फोटो लेयर पे जाएंगे, यहाँ पे आपने पिक्स लेफ वाला फोल्डर ढूंढ लेना है। तो यहाँ पर आपने नेम अपना ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करने के बाद आपने फर्स्ट वाले लेयर की दो डुप्लीकेट कॉपी करनी है, टोटल तीन हो गई हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, फर्स्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, एफ एक्स में जाना है। एफ एक्स में जाने के बाद आपने यहाँ से बेसिक में जाना है और यहाँ से लेटलिंग में चले जाना है। सर्कल को पकड़ कर ऊपर ले जाना है और इसको फुल ब्लैक करना है। अब इसी लेयर को सिलेक्ट कर रखना है और एफ एक्स में जाना है और यहाँ पे ग्लो लगा देना है। ग्लो आपने वन पे ब्लारिस कर रखना है और कलर आपने वाइट कर लेना है और ओके कर देना है। इसका जो ब्लेंड मूड है वो फ्रेंड आपने कर देना है स्क्रीन। अब आपने करना क्या, सेकेंड लेयर पर आना है, एफ एक्स में जाना है। एफ एक्स में जाने के बाद आपने ड्रॉप शेडो में आना है। ड्रॉप शेडो में आने के बाद इसका जो एंगल है ये आपने रखना है 175, ठीक है, 175 रखना है। और जो ब्लर है ये आपने रखनी है 10 और जो डिस्टेंस है ये आपने रखनी है 5। ब्लर 10, डिस्टेंस 5 और जो एंगल है वो 175। और इसको अब आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई आपने कर देना है। अब आपने लास्ट लेयर पर आना है, एफ एक्स में जाना है और यहाँ से बेवल में आपने आ जाना है फ्रेंड। बेवल में आने के बाद आपने करना क्या है, ब्लर जो है वो 45 रखना है और कलर ब्लैक कर लेना है और जो डिस्टेंस है ये आपने 40 सिर्फ रखनी है, ठीक है। ब्लर 45, कलर ब्लैक और डिस्टेंस 40। इस पर एक दफ़ा फिर आपने बेवल लगाना है। बेवल लगाने के बाद आपने करना क्या है, इसका ब्लेंड मूड आपने चेंज कर देना है, वो कर देना है ओवरले। और इसकी एक डुप्लीकेट आपने कॉपी कर लेनी है,
ठीक है, इस लास्ट लेयर की एक डुप्लीकेट कॉपी करनी है, फिर आपने इस लेयर को सिलेक्ट करना है, इस वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट पिक्सल कर लेना है। सेलेक्ट पिक्सल करने के बाद आपने फ्रेंड करना है कि आपने एफएक्स में जाना है, एफएक्स में जाने के बाद आपने स्टेलाइज में जाना है, ठीक है। स्टेलाइज में जाने के बाद आपने ग्रेडिएंट मैप वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे आप कोई भी कलर रख सकते हैं, जैसे कि मैं रखूँगा पर्पल, आप अपने हिसाब से रखते जाएंगे। दरमियान वाले में मैं रखूँगा येलो और यहाँ पर मैं रखूँगा ब्लू, ठीक है। तीन कलर मैंने रख लिए हैं। अब आपने फ्रेंड करना है क्या, अब आपने सेलेक्ट जो है ना पिक्सल वो डी सेलेक्ट कर देना है और अब आपने इस लेयर सेलेक्ट, फिर अगेन आपने आना है और सेलेक्ट पिक्सल अगेन करना है आपने, ठीक है। सेलेक्ट पिक्सल कर लिया, फिर एफएक्स में जाना है और स्टेलाइज में जाना है और ग्रेडिएंट मैप वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ से आपने कलर जो है ना वो उसकी चेंजिंग कर देनी है, ये येलो की जगह आपने ब्लू कर देना है और ब्लू की जगह आपने येलो कर देना है, ठीक है। करने के बाद आपने करना क्या है, आपने लास्ट वाली लेयर की आपने दो डुप्लीकेट कॉपी करनी है लास्ट वाली लेयर की, और अब आपने इस वाले की भी जो है ना दो डुप्लीकेट कॉपी कर देनी है फ्रेंड। कॉपी करने के बाद आपने करना क्या है फ्रेंड, अब आपने इस शेडो वाले ग्लो वाले की भी आपने दो डुप्लीकेट कॉपी कर देनी है। दो डुप्लीकेट कॉपी करने के बाद आपका ये ग्लास देखें रेडी हो गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।